जी दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का यही है, क्या हम लोग दूसरे स्टेट से अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? तो जी दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य में हैं तो आप लोग अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन रखा गया है जो आपको आगे पता चल जाएगा। आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पता चलेगा क्या कंडीशन है और कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। बट इस सवाल का यही जवाब है कि आप किसी भी राज्य से हैं तो आप लोग दूसरे राज्य में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म चल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, जो आप लोग का सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर, ये साइकिल क्या है, जिसको साइकिल प्रोसेस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी ला रही है वो साइकिल की तरह ला रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई वैकेंसी राजस्थान से शुरू हुई, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे घूमते घूमते पूरे इंडिया में घूमेगी। तो जब एक बार ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए 2019 में यह वैकेंसी आई और 2019 में ही पूरे राज्य में यह घूम गई, तो इसे एक साइकिल बोला जाएगा। दोस्तों, जब एक बार एक मतलब पूरे सॉरी तो पूरे इंडिया में जब एक बार ये घूम गई वैकेंसी एक राउंड, तो उसे एक साइकिल बोला जाएगा। तो जो आपको आप लोग जब सबको पता होगा कि जो साइकिल टू चल रहा है, तो साइकिल टू की बात की जाए तो साइकिल फर्स्ट की वैकेंसी अभी UPGDS की रुकी है, कोर्ट में चल रही है, और बाकी कुछ जगह की क्लियर हो गई है। साइकिल टू की भी मतलब कुछ जगह की जो क्लियर हो चुकी है, तो हम लोग बात कर रहे हैं साइकिल टू। तो जिस मतलब कि दूसरा राउंड चल रहा है ग्रामीण डाक सेवा का, तो इसे साइकिल टू बोला जाएगा। मतलब ये पूरे भारत का दूसरा चक्कर लगा रही है ये वैकेंसी, इसीलिए इसे साइकिल टू बोला जाएगा। आप लोग को ये समझ में आ गया कि साइकिल जो प्रोसेस होता है साइकिल क्या है, साइकिल टू और साइकिल फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कि हम लोग दोस्तों कितने स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कितने पोस्ट रेफरेंस दे सकते हैं। पोस्ट रेफरेंस की हम लोग बात करेंगे जी। तो इसमें पोस्ट रेफरेंस की बात की जाएगी कि पोस्ट रेफरेंस कितने दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है जॉब से रिलेटेड आने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब पोस्ट रेफरेंस क्या है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आप हरियाणा से हैं या यूपी से हैं, अगर आप यूपी से हैं तो अगर आपने UPGDS में 20 फॉर्म जिस, तो पहले सब अब सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो साइकिल टू चल रहा है इसमें आप लोग 20 पोस्ट रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि 20 पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, 20 पोस्ट रेफरेंस दे सकते हैं। अब पोस्ट रेफरेंस क्या है आप लोग को ये समझना ज़रूरी है। पोस्ट रेफरेंस की बात की जाए तो अगर आपने यूपी जिस, तो आप यूपी से हैं और UPGDS में यूपी से हैं और UPGDS में अगर आपने फॉर्म भरते समय 5 पोस्ट अप्लाई किया होगा, अगर 5 पोस्ट अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको अभी 15 पोस्ट और मिलेंगे भरने के लिए। जो जो इस साइकिल टू में पोस्ट रेफरेंस चल रहे हैं इसमें आप टोटल 20 पोस्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग कितने आप लोग 20 पोस्ट डाल सकते हैं। अब बात की जाए, अगर आपने पहली बार अप्लाई किया तो आप 5 पोस्ट अप्लाई कर चुके होंगे, आपके पास अभी 15 जगह अप्लाई करने के लिए बचा है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग 15 जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 15 जो आपकी सीट बची है उसको कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस तो अगर मान लीजिए कि आपने UPGDS का फॉर्म अप्लाई किया या हरियाणा GDS का फॉर्म अप्लाई किया, चाहे राजस्थान GDS का फॉर्म अप्लाई किया, जिस भी राज्य का फॉर्म अप्लाई किया, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे तो 5 सीट आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अगला 5 पोस्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। जिस तो इसमें ये प्रोसेस है साइकिल टू में कि जितनी बार आप फॉर्म अप्लाई करेंगे 20 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट मतलब 100 रुपये में आप यहाँ पे मान के चलिए 100 रुपये में आप 5 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहली बार फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता चल गया होगा 100 रुपये में आपने 5 पोस्ट अप्लाई किया होगा। अगर और आपको पोस्ट अप्लाई करना है 5 और, तो और आपको चालान में 100 रुपये देने होंगे, और 5 अप्लाई करने के लिए आपको और 100 रुपये देने होंगे। मतलब बात की जाए तो अगर आप 20 पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें 400 रुपये पे करने पड़ेंगे, आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं तो।
जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप लोग को 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। वही फीमेल एससी एसटी की बात की जाए, वही फीमेल और एससी एसटी की बात की जाए तो इन लोग के लिए जो प्रोसेस है आपको पता होगा, इन लोग के लिए निःशुल्क चल रहा है। मतलब ये लोग, इन लोगों के लिए कुछ भी मतलब कि चार्ज नहीं लगा, ये लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। 20 पोस्ट को टोटल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैटेगरी और EWS ST और ST के, मतलब सभी लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आप लोग जितने बार फॉर्म को अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पे 100 रुपये पे करने पड़ेंगे हर एक 5 पोस्ट के लिए। अब बात की जाए कि सबसे आप लोग का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग किस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करें, दोस्तों किस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई किया जाए। तो चलिए हम लोग बात आपको मैं बता दूँ किस कैटेगरी में फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं या किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो आप लोग उसी कास्ट सर्टिफिकेट पे अप्लाई करिए, चाहे दूसरे स्टेट में अप्लाई करिए चाहे अपने स्टेट में अप्लाई करिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट पे यानी अपने सीट पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो चांस है वह होने का बहुत ज़्यादा तर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा अपना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप किसी और सीट पे अप्लाई कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको सिलेक्शन में भी, आपके मेरिट लिस्ट में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पे वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जिस कैटेगरी से हैं आप उसी कैटेगरी में पोस्ट को अप्लाई करिए, नहीं तो सिलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात की जाए कि आप लोग जैसे अदर 5 पोस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, और आपके जो सवाल हो आप लोग सवाल ज़रूर करिएगा, मैं उसका अगले वीडियो में अच्छे तरह से रिप्लाई के साथ वीडियो लाऊंगा। जो भी आपका प्रश्न हो फटाफट कमेंट करिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अगला वीडियो आपके कमेंट के ऊपर बनेगा। तो अच्छे से कमेंट करिए, अच्छा जो आपका सवाल हो सब माइंड फ्रेश करके आप लोग एग्ज़ाम को फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि अभी डेट बहुत बचा है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं AJ आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक मज़ेदार वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। जी दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ग्रामीण डाक सेवा 2020 से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर, कि हम लोग इस स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कितने पोस्ट रेफरेंस दे सकते हैं, किस कैटेगरी में फॉर्म भरना सबसे लिए अच्छा होगा, और बहुत सारे सवाल जो आपको इस सवाल के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी। बात करूँ तो एक जॉब की वीडियो आने वाली है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। आपको इस वीडियो में यह पता चलेगा कि आपने कैसे पोस्ट को अप्लाई किया है, कितने पोस्ट रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर कि आपके प्रश्न क्या हैं और हमारे जवाब क्या हैं।